अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए बहुत ही खूबसूरत मौके पे, आजीद के मौके पे आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं आपका नाचिस मेज़बान मोहम्मद हसन रिजवी, आइए आज मैं अपने लाइफ के फर्स्ट ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ, एक बहुत ही ख़ास ब्लॉग जिसने अपनी मेहनत से कलकत्ते के रहने वाले शहर में एक छोटे से इस्लामपुर के इलाके में मोहम्मद एजाज नाम के लड़के ने, जिसने हुगली डिस्ट्रिक्ट में HS के एग्ज़ाम में टॉप आकर ये अपने मोहल्ले के नाम को रोशन किया है। अभी मैं उन्हीं के घर के नीचे खड़ा हूँ, तो आइए उनसे मिलते हैं और उनके बारे में कुछ जानते हैं, उनके कामयाबी का राज क्या है, तो चलिए उनके घर पे चलते हैं। एजाज से मिलते हैं और उनको ईद उल जुहा की मुबारकबाद देते हैं और उनके सक्सेस का राज क्या है उनसे मिल के उनसे जानते हैं। तो आइए हम एजाज के घर पे। एजाज भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे एजाज भाई, जिसने हुगली डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही नंबर से बेहतरीन नंबर है, जिसका कोई जवाब नहीं, अपने इलाके के नाम को रोशन किया है, अपने घर वाले को, अपने फादर का नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, बहुत ही मेहनत से आपने सक्सेस का आपको और कामयाबी दे आने वाले समय में। तो आइए बैठ के दो चार बात इनसे पूछते हैं, तो चलिए हम लोग बैठते हैं, तशरीफ लाइए। तो आइए, मेरे YouTube की तरफ से मेरे सब्सक्राइबर भी रह चुके हैं और मैंने सोचा इनके लाइफ के बारे में छोटा सा वीडियो बनाए, और मेरा ये लाइफ का फर्स्ट ब्लॉग है YouTube का, तो मैं इनके सक्सेस का राज जानता हूँ और मैं ये अपनी तरफ से ये छोटा सा प्रेजेंट, कॉन्ग्रेचुलेसन एजाज भाई जान, अल्लाह आपको और कामयाबी दे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कीजिए और दिन की भी राह में चलिए। तो चलिए इनसे बैठ के थोड़ी सी डिस्ट्रिक्ट के श्रीरामपुर में, जिसने 95% ला के अव्वल लेवल से इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो आइए इनके सक्सेस के राज, इनके रिजल्ट का राज इनसे पूछते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए एजाज भाई साहब। अपने नाम, अपने फादर का नाम जी। मेरा नाम मोहम्मद अंसारी जी और मेरे पापा का नाम मोहम्मद इस्तफार अंसारी जी। कौन से स्कूल से इसका एग्ज़ाम? पढ़ाई तो शुरुआत की उस मतलब सारी पूरी प्राइमरी स्कूल से, फिर 12th का एग्ज़ाम दिया वो एग्ज़ाम राजस्थान जो मना स्कूल से। इस तरह से चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो आपका रिजल्ट देखने के बाद रिएक्शन कैसा था, क्या सोचे थे आपके, इतना मार्क्स आएगा या? पहले डर तो लगा कि रिजल्ट आएगा तो कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा लॉकडाउन का वक्त चल रहा था कि पेपर चेक भी सही से तरीके से होगा कि नहीं जी। मगर जब रिजल्ट देखे तो फिर बहुत सी उड़ गई, देख के अचंबा हो गया कि यार क्या आ गया। फिर बाद में पता चला कि हुगली डिस्ट्रिक्ट में भी टॉप कर गए। हाँ सर, ये बात करके आना कि अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। बहुत बहुत खुशी जी। तो आगे फ्यूचर का क्या प्लान है, या पढ़ाई करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं? ऐसा आगे तो मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करना है तो जी, और आगे सोचा हूँ मैंने LLB का पढ़ाई करना। हाँ सर, अच्छी बात, अच्छी सोच है। आगे कौन सा कॉलेज में एडमिशन सोचे कुछ ऐसा कुछ? ये सोचे तो है कि हम लोग अलीगढ़ के अलीगढ़ बहुत ही अच्छा कॉलेज है। चलिए, और घर पे तो सब कैरियर से हैं जी। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और भी बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और आने वाले साल के कुछ मैसेज दे दीजिए। तो आप कितने घंटे घर में सुबह शाम पढ़ते रहे, ऐसा कुछ मैसेज आने वाले 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा? मेरे हिसाब से कि कितना घंटा कौन पढ़ता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, घंटे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या जो पढ़े हैं उससे क्या सीखे हैं वो ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। घंटा पढ़ने से कुछ उनकी नॉलेज ले पा रहे हैं कि नहीं, उससे वो बहुत ज़रूरी है जी। तो आप कुछ और मैसेज दे दीजिए आने वाले HS के बच्चों को कि ऐसा कुछ करने से ऐसा कुछ ठीक बता दीजिए? नहीं, वही सर का मतलब सुनिए, मतलब टेस्ट को अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? जी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो ज्योग्राफी था।
चलिए अच्छी बात है। और आपके घर में सब ठीक है? कैरियर से सब लोग कितने भाई हैं? जी मेरा एक भाई है, एक बहन है। चलिए भाई जॉब से जॉब करते हैं जी। भाई का नाम? मेरा मोहम्मद मेरा सर। तो दोस्तों देखे आपने, बहुत अच्छा लगा मिलके एजाज भाई से, जिसने हुगली डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे शहर श्रीरामपुर सिल बगान के रहने वाले मोहम्मद एजाज अंसारी ने ये हुगली डिस्ट्रिक्ट में HS का एग्ज़ाम में बहुत ही अव्वल नंबर से अल्लाह ने इसको नवाजा और टॉप रख चुके। तो इनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, और आपकी जो भी मेहनत है अल्लाह आपको कामयाबी दे। और जो आप LLB के पढ़ाई करना चाहते हैं और भी मेहनत कीजिए, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट का वर्ल्ड में टॉप लाइए, पूरा कंट्री में अपने देश के भी नाम रोशन कीजिए, और जाने आने वाले वक्त में और भी आपको कामयाबी मिले अल्लाह का, आपको कामयाबी दे। बहुत ही अच्छा लगा मिलके आपके पास। चलिए दोस्तों अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरे YouTube पे चैनल देखने के लिए, और आप अभी जुड़ना चाहते हैं मेरे YouTube से तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या अपना ब्लॉग बनाना चाहते हैं ऐसा कुछ तो हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए, हमसे जुड़िए। चलिए तो अगला वीडियो पे मिलते हैं, अभी तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, ईद मुबारक, सबका खैर, अल्लाह हाफिज़।